कभी कभी हमारे इस कान में लोग आने में भड़कते हैं, पूछा गया है कि आप क्यों इस कान में नहीं आते हैं, तो कहते इसमें बड़ा कड़ा नियम है। कड़ा नियम है? क्या कड़ा नियम है? कठोर नियम है। तो कहते हैं इसमें चाय भी लोग नहीं पीते हैं। हमने तो एक आदमी को कह दिया कि आप पिया कीजिएगा, लेकिन आइए कोई बात नहीं, आप अपना बना लीजिएगा और पीजिए। तो इसमें चार नियम है। वास्तव में यह संस्था पूरे संसार में जो टिकी है और इसका जो बल है वो तो भगवान का नाम मुख्य है, लेकिन चार जो इसके नियम है वो चार स्तंभ की तरह है। और संसार में कोई भी विवेकी पुरुष, कोई भी महान पुरुष इस कान को अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है कि भाई यही संस्था है जो वास्तविक नियम बता रही है। मांस भक्षण नहीं, जुआ नहीं, मादक वस्तु नहीं, खाना पीना शराब आदि, और अवैध स्त्री संग नहीं। तो श्रील प्रभुपाद विदेशों में जाकर के पवित्र विवाह की प्रथा चालू की। यही इस संस्था की शोभा है। इस प्रकार के नियम कहीं नहीं। और भक्तों का जो पर्सनल जीवन है वो नियम पालन में है। 4:30 बजे मंगल आरती में भाग लेते हैं, जप करते हैं, वो तो सब अलग की बातें हैं जो भी, लेकिन और दृष्टि से देखा जाए तो ये चार महापाप पर अंकुश लगाया है इसका। इस कारण से इस संस्था में बल है। और बीच बीच में कभी कभी कमेंट आते रहते हैं, संसार के बड़े बड़े विचारक, समाज शास्त्री, ये लोग ऐसा मत देते हैं कि वास्तव में इस कान सबसे श्रेष्ठ संस्था है और इसके नियम वास्तव में शास्त्रीय हैं और बहुत अच्छे हैं। ये लोग देते हैं कभी कभी, इंग्लिश भाषा में सब आते हैं मंतव्य। तो धर्म सर्वदा दया से युक्त होना चाहिए। अच्छा, अब भक्तों के लिए धर्म और दया का क्या संबंध है? स्वयं भजन करें और दूसरों को भी जरूर लगाएं, तब कहा जाएगा भूत सौहार्द है। जीवों के प्रति दया होना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेले जप कर रहे हैं और दूसरे लोग जन्म मरण में रह गए, तो यह ठीक नहीं। दया होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद साधना करने के लिए जैसे जोर दिए, वैसे प्रचार के लिए भी जोर दिए। अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखा, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करते थे और जीवों को सिखाते थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को भेजा, नित्यानंद प्रभु को भेजा, षड गोस्वामी को भेजा, जाकर प्रचार करो, ग्रंथ लिखो, जगत के लोग बहुत दुखी है, इसको भूत सौहार्द कहो। जीवों पर दया करना, अन्यथा केवल धर्म पालन किए, केवल कथा कीर्तन किए और प्रचार नहीं किए तो धर्म की शोभा नहीं है। इसे कथा कीर्तन तो स्वयं में प्रचार है ही, यह बहुत अच्छा प्रचार है, आयोजन करना, भगवान की कथा करना, कीर्तन करना, और इसके साथ साथ जो गलियों में कीर्तन होता है या जनता को कथा सुनाई जाती है या पुस्तक वितरण होता है और भी विधि बताई जाती है शास्त्रों की, तो यह है सौहार्द।